देखिए, आज का प्रोग्राम एक आपका 32 किलोमीटर का रोड है जो CRIF के अंदर बन रहा है। इसका मतलब ये है कि पैसा केंद्र सरकार दे रहा है 126 करोड़, और ये बनाने का काम जो है जो स्टेट का PWD जो NH को देखता है वो इसको बनाएगा। और इससे एक बहुत बड़ा कमी था जो कि इस इलाके के अंदर, वो पूरा होगा। और इसके अंदर आपके सांसद प्रताप चंद्र षडंगी जी ने बहुत मेहनत किया है, जिसके कारण कि ये एक बहुत ज़रूरी रोड जो है ये बन रहा है। और हमें पूरी आशा है कि इससे सब लोगों को क्षेत्र के अंदर फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा इस इलाके के अंदर अलग अलग नेशनल हाईवे पर सब पर काम चल रहा है, कुछ और कनेक्टिविटी हम बढ़ा रहे हैं ताकि इस पूरे इलाके में कनेक्टिविटी के लिहाज से आप लोगों को कोई दिक्कत ना। देखिए, कई रोड DPR स्टेज पर हैं, कई रोड का सेंक्शन हो गया है। हर रोड को जब से हम उसका अपॉइंटेड डेट देते हैं उसके बाद 2.5 साल का टाइम होता है, ठीक है। अगर बीच में कोई बाधा ना आए, उदाहरण के तौर पर अगर वो जंगल के इलाके से जा रहा है और जंगल की उसके ऊपर कुछ चीज़ें हैं कि जी यहाँ पर हाथी जाता है तो उसके लिए जगह बनानी है, तो उन जगह पे थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़मीन भी मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये ज़मीन पर अलग अलग जो चीज़ें उठती हैं मुआवजे के तौर पर, दूसरी तौर पर जो चीज़ें उठती रहती हैं, उनके कारण कई बार डिले हो जाती है। लेकिन एक बार जब हमने अपॉइंटेड डेट दे दी, हम कोशिश करते हैं कि हमको 90% ज़मीन मिल जाए ताकि हम अपना काम शुरू कर सकें। 10% जैसे जैसे काम चलता है उसको पूरा कर लें।